गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी धर्मशाला डलहौजी ट्रिप का सेकेंड डे है। कल हम लोग इंदौर से निकले, इंदौर से निकल के बजरंगगढ़ मंदिर के दर्शन किए, वहाँ से चले और फिर हम लोगों ने ग्वालियर में गोपाचल मंदिर के दर्शन किए और रात में हमने अपने एक मित्र के यहाँ रात्रि विश्राम किया। सुबह के 7 बज गए हैं आज और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं और आज हम लोगों का प्लानिंग है कि मथुरा में जाएंगे, मथुरा 84 के दर्शन करेंगे और वहाँ से फिर निकल के सीधे हम लोग जाएंगे चंडीगढ़ और आज का नाइट स्टे हम करेंगे चंडीगढ़ में। चलिए तो आज की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब 8:15 बज गए हैं और अब हम लोग आ गए हैं एमपी से राजस्थान में प्रवेश कर गए हैं। पीछे आप देख रहे हैं जो ब्रिज और नदी दिख रही है, ये चंबल नदी है और इस ब्रिज के एक तरफ एमपी और दूसरी तरफ राजस्थान है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एमपी से बाहर जाएं तो पॉल्यूशन चेक ज़रूर करवा के रखिए गाड़ी का, क्योंकि एमपी के बाहर जब एमपी की गाड़ी जाती है तो सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल चेक किया जाता है, तो उस चीज़ को हमेशा याद साथ में रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं मथुरा की तरफ। दोस्तों सुबह के लगभग 10 बज गए हैं और हम लोग अब मथुरा में आ गए हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं मथुरा का जैन मंदिर है जिसको मथुरा 84 बोलते हैं। यहाँ से भगवान जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ था और ये उनके निर्वाण स्थली है। अब हम यहाँ मंदिर में जाएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर देखते हैं अगर लंच की व्यवस्था यहाँ हो जाती है तो यहीं पर लंच करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से निकल के आगे देखेंगे। चलिए अभी मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों लगभग 1:30 बज गई है, अब हम लोग मथुरा से निकल रहे हैं। चंडीगढ़ लगभग 450 किलोमीटर है, 6 घंटे के आसपास लगेंगे पहुंचने में। चलिए चलते हैं चंडीगढ़। हाय फ्रेंड्स, अब वृंदावन से हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं और लगभग 155 रुपये का टोल टैक्स लग चुका है हमें। एक्सप्रेस वे स्पीड वे कह लो, आप देख सकते हो लगभग 8 लेन एक्सप्रेस वे है ये। देखिए गाड़ियाँ कितनी स्पीड से निकल रही है, पर बट सेफ्टी फर्स्ट, इसलिए हम आराम से चला रहे हैं एक्सप्रेस वे का एंजॉय करते हुए। चलिए आगे मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पानीपत, लगभग 5:30 बज गई है। अभी हमने पेट्रोल भरवाया है और खुशी की बात यह है कि इंदौर की अपेक्षा यहाँ पेट्रोल सस्ता है। इंदौर में 107 और यहाँ सिर्फ 95 रुपीज़ लीटर में पेट्रोल मिलता है, थोड़ी सी खुशी हुई। और यहाँ से चंडीगढ़ 170 किलोमीटर के आसपास बचा है, 3 घंटे का समय लगेगा हमें पहुँचने में। देखते हैं वहाँ जाके स्टे का अरेंजमेंट करते हैं, जैन मंदिर भी है वहाँ भी कुछ अरेंजमेंट है, और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं किसी होटल को सर्च करते हैं। चलिए तो अब चलते हैं चंडीगढ़ की ओर, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों लगभग 8 बज गए हैं और हम लोग चंडीगढ़ के पास आ गए हैं। चंडीगढ़ लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है। ये एक बढ़िया सा मॉल सा दिखा है जहाँ हल्दीराम का प्योरली वेज रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो अब हम लोग यहीं पर खाना खाएंगे और उसके बाद फिर चंडीगढ़ पहुंचेंगे
और रात भर वहीं रिलैक्स करेंगे। आज नाइट स्टे चंडीगढ़ का रहेगा और कल सुबह से फिर हम लोग धर्मशाला के लिए मूव करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले डिनर करते हैं। दोस्तों लगभग 9:30 बजे हैं और अब हम लोग आ गए हैं चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 27 में महावीर जिनालय में। यहाँ पर रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, एसी रूम नॉन एसी रूम सारे हैं और बहुत रिजनेबल रेट में है। ये आप देख सकते हैं पीछे धर्मशाला है और ये पीछे साइड में ये है मंदिर, ये मानस स्तंभ। आज रात हम लोग यहीं स्टे कर रहे हैं और कल सुबह भगवान के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे धर्मशाला की ओर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल नई सुबह में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।